हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप अपने चैनल की प्ले बटन कैसे बना सकते हो, जो कि आपको इस प्रकार आप अपने चैनल की प्ले बटन बना सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो अपने चैनल की प्ले बटन बनाना को, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, नहीं तो आपके माइंड में बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाना है, उसके बाद हमें काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों अगर आप काइन मास्टर ऐप ओपन मतलब यूज़ करना नहीं जानते, तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो डली हैं जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू का, आपको ऑप्शन मिलेगा, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 16:9 रेशियो का आपको फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे डाउनलोड वाले जो हमने प्ले बटन डाउनलोड की है वो हमें अपना सेट कर लेना है, वही सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने प्ले बटन डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए जल्दी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, बहुत सारी वहाँ पे प्ले बटन है। तो आप ये नहीं बल्कि बहुत सारी प्ले बटन है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्ले बटन पर ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर जैसे आप एक बार इसका एनिमेशन देख लीजिए, किस प्रकार का एनिमेशन दे रही है। तो गाइज ये पॉप एनिमेशन दे रही है। तो जिस प्रकार का आप फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आप अपने यूट्यूब चैनल की बटन बनाना चाहते हैं, वो आपको लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने चैनल की लोगो बनाना चाहता हूँ लोगो। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको गौर दिया होगा कि माइस को टैग जो ये है ये चौकूटे में, और इसको हमें गोल करना है। गोल करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग का, इसी पर हमें क्लिक कर देना है और मास्क वाले को ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको सेप का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर हमें क्लिक कर देना है और हमें गोल वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें अपने साइज के हिसाब से ये प्ले बटन जो ये अपना फ्रेम फोटो है वो अपना सेलेक्ट कर लेना है अपनी साइज के हिसाब से। इसके बाद मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, इसको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये प्ले बटन तो हमें एनिमेशन दे रही है लेकिन हमारा फोटो एनिमेशन नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एनिमेशन पे जाना है और पॉप वाला एनिमेशन कर लेना है। इसके लिए हमें यहाँ पे आपको दो स्पीड सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद हमें एक बार प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको। तो गाइस देखिए ये बन चुकी है हमारी प्ले बटन। थोड़ी अगर आप स्पीड इसकी कम करना चाहें तो आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं, जितनी आप स्पीड करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो गाइस ये हो चुकी है हमारी प्ले बटन रेडी। इसके बाद हमें यहाँ पे टैग्स करना है। टैग्स करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, टैक्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है और हमें यहाँ पे माइस को मतलब जो भी आप कुछ लिखना चाहते हो, आपके चैनल का नाम है, हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे माइस को लिख देता हूँ, माइस को टैग। तो यही हमें लिख के ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगर आप जो यहाँ पे वो ये वाइट दिखाई दे रहा है, अगर आप इसका कलर ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक करने के लिए राइट कर देता हूँ। तो ये हमारी प्ले बटन का माइस को टैग जो हमारे चैनल का नाम है वो बन चुका है। अब जो हमारे हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया था उसी की तरह हम इसको एनिमेशन देना चाहते हैं। तो उसी के जैसे कि आपने फ़ोटो के एनिमेशन दिया था, इसी प्रकार आप अपने माइस को टैग चैनल वाले लोगों को भी एनिमेशन दे सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एनिमेशन दे देता हूँ इसको। वही आपको पॉप पर क्लिक करना है और इसको 1.5 रेशियो पर क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारी प्ले बटन पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो ये हमारी प्ले बटन पूरी तरह से बन चुकी है। अब अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको आसानी से सेव कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक और बार प्ले करके दिखा दूँ, अगर अच्छी लगे ना तो आप इसी को बना सकते हो गाइस।
तो गाइज ये बन चुकी है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का, इसी पर हमें क्लिक कर देना। आप यहाँ पे आपको सेव का सेकंड ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे आसानी से सेव कर सकते हो। तो गाइज यही था प्ले बटन बनाने का। तो दोस्तों आप सब लोग सीख आए अपने चैनल की प्ले बटन बनाना। अगर आप सीख गए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरी तसल्ली के लिए मुझे बता देना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय बाय।